वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन दोस्तों, जिसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों स्पेशल थ्योरी क्लासेज राजस्थान CHO भर्ती 2023 के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेजर सब्जेक्ट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, बहुत जल्दी अपन इस सब्जेक्ट को कम्प्लीट कर लेंगे दोस्तों 4 से 5 क्लास में। अगली 3 से 4 क्लास में ये कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। और पोलियो जो है दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे, पोलियो क्या होता है पूरा पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास नंबर अपनी 16 है दोस्तों, 16 नंबर क्लास है। इससे पहले 15 क्लास अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर यूट्यूब चैनल पर उन 15 क्लासों को जरूर वॉच करें दोस्तों। ऊपर की तरफ आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपके जो राइट साइड है उसमें, तो उस पर आप क्लिक करके अपनी जो प्ले लिस्ट है उसमें जा सकते हो, CHN की प्ले लिस्ट में आप जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। अपना आज का सेशन है दोस्तों पोलियो का। अपना टॉपिक है दोस्तों आज का, वो है अपना जो टॉपिक है दोस्तों आज का, पोलियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों आज जो मैंने पोलियो आपको करवा दिया। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि पोलियो जो है अपन पोलियो का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पोलियो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों कि पोलियो क्या होता है, किससे फैलता है। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे दोस्तों कि पोलियो जो होता है एक वायरस से होने वाली बीमारी है दोस्तों। वायरस से होती है दोस्तों पोलियो, वायरस से होने वाली डिजीज़ है दोस्तों, ये वायरस से होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्या है दोस्तों इसके अंदर इम्पोर्टेंट कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्तों, इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है दोस्तों, मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो होता है ओपन के अंदर डिफिकेशन करना दोस्तों। ओपन डिफिकेशन का मतलब है दोस्तों कि खुले में शौच करना, उससे ये फैलता है दोस्तों। खुले में अपन शौच करते हैं दोस्तों, उसके अंदर पोलियो वायरस आ जाता है दोस्तों। और फिर वही जो उस ओपन में जो अपन ने सोच किया है दोस्तों, उस पर मक्खियां बैठेगी और वो मक्खियां क्या करेगी, उस जो वायरस को है वो ट्रांसमिट कर देगी। कहाँ पर? अपने घर पे आएगी, अपने खाने पे बैठेगी, वहाँ पर वो वायरस को कर देगी, जिससे क्या है ये वायरस अपने शरीर के अंदर चला जाएगा दोस्तों। तो पोलियो जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इससे क्या पैरालिसिस भी हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों बेसिक्स, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं दोस्तों अभी इसका कि पोलियो इरेडिकेशन कब हुआ दोस्तों। पोलियो इरेडिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पोलियो का इरेडिकेशन कब हुआ, कौन सी सन में हुआ दोस्तों पोलियो का इरेडिकेशन, जल्दी से बताएं मुझे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। ये हुआ था दोस्तों 2014 में, पोलियो फ्री हुआ था 2014 में इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये वायरस से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीनों ये क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन कि पोलियो वैक्सीन पोलियो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों एक बार कि जो पोलियो होता है वो क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अभी जो पढ़ा रहा हूँ कि पोलियो के बारे में क्या देखेंगे। तो पोलियो जो होता है दोस्तों, लाइव वैक्सीन भी हो सकती है पोलियो की, और पोलियो की दोस्तों किल्ड वैक्सीन भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है और किल्ड भी हो सकती है दोस्तों पोलियो की वैक्सीन। कैसे दोस्तों अभी देखते हैं। लाइव वैक्सीन कौन सी होती है दोस्तों, पोलियो की लाइव वैक्सीन कौन सी होती है। तो दोस्तों पोलियो की जो लाइव वैक्सीन होती है वो होती है OPV। OPV की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, किल्ड वैक्सीन जो होती है दोस्तों वो होती है IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, IPV दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि
ओपीवी है दोस्तों वो कब आई, और आईपीवी है वो कब आई दोस्तों। तो आईपीवी आई थी दोस्तों 1954 के अंदर, 1954 में कौन आई, आईपीवी। और ओपीवी कब आई दोस्तों, तो ओपीवी आई थी 1958 में, सॉरी 1957 में, 1957 में आई। तो दोस्तों ओपीवी की खोज किसने करी थी, तो सेबिन ने करी थी। तो ओपीवी को क्या कहते हैं, सेबिन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ओपीवी को सेबिन भी कहते हैं, और आईपीवी है दोस्तों इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, साल्क। साल्क ने इसकी खोज करी थी तो इसको साल्क नाम दे दिया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दोनों के दोनों, कि ओपीवी को सेबिन कहा जाता है और आईपीवी को दोस्तों साल्क के नाम से जानते हैं। और क्या देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि दोस्तों पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो कैसा होता है। अभी आगे की स्लाइड में देखते हैं दोस्तों अपन कि ओपीवी का जो वैक्सीन होता है वो कैसा होता है। तो ये है दोस्तों वायल होती है ओपीवी की, इंजेक्टेबल ओनली। तो ये दो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो ये जो है वो क्या है, इंजेक्टेबल आईपीवी, इंजेक्टेबल है तो ये आईपीवी है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन कि आईपीवी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले अपन देखते हैं दोस्तों कि जो पोलियो का जो वैक्सीन होता है, पोलियो का जो वैक्सीन होता है दोस्तों, पोलियो का जो वैक्सीन होता है, पोलियो का जो वैक्सीन होता है दोस्तों वो क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ट्राइवेलेंट या फिर बाईवेलेंट होता है दोस्तों। या तो होता है ट्राइवेलेंट या फिर होता है दोस्तों बाईवेलेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ट्राइवेलेंट जो था दोस्तों, ट्राइवेलेंट जो था दोस्तों वो कब था, 2014 से पहले था दोस्तों। ये ट्राइवेलेंट था दोस्तों बिफोर 2014। अब क्या है दोस्तों कि 14 के बाद क्या हो गया है, पोलियो जो है दोस्तों इरेडिकेट हो चुका है। तो इसलिए इसका जो अब जो है जो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है वो बाईवेलेंट होती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब है ये बाईवेलेंट होती है आफ्टर 2014, आफ्टर 2014 के जो पोलियो वैक्सीन है वो बाईवेलेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि बाईवेलेंट है दोस्तों। अगर पूछे पोलियो वैक्सीन कैसी है दोस्तों, तो बाईवेलेंट होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि जो ओपीवी है दोस्तों, क्या ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है दोस्तों। तो उस ओरल पोलियो वैक्सीन किस किस को दे सकते हैं दोस्तों, तो जीरो से पाँच साल के चिल्ड्रन को देते हैं, 0 से 5 साल के चिल्ड्रन को देते हैं। टोटल कितनी डोज देते हैं ओपीवी की, तो टोटल कितनी डोज देंगे ओपीवी की, टोटल डोज देंगे दोस्तों 5 डोज देते हैं। अब 5 डोज कब कब देते हैं दोस्तों वो देख लेते हैं अपन कि दोस्तों पहली डोज देते हैं दोस्तों ओपीवी की, वो देते हैं एट बर्थ पे, कब, एट बर्थ पे, पैदा होते ही ओपीवी पिलाई जाती है दोस्तों। दूसरी 6 वीक पे, तीसरी दी जाती है दोस्तों 10 वीक पे, और चौथी दी जाती है दोस्तों 14 वीक पे, 14 वीक पे। और जो दोस्तों इसकी जो ओपीवी की जो बूस्टर डोज दी जाती है दोस्तों वो 16 से 24 मंथ पे दी जाती है दोस्तों, 16 से 24 मंथ पर इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। तो इसकी 5 डोज होती है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन की। अगर ड्रॉप में देखें जाए, देखा जाए दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की आपने सुना ही होगा, ड्रॉप के अंदर कितनी ड्रॉप होती है, ड्रॉप्स में 2 ड्रॉप। तो दोस्तों ये है ओपीवी के बारे में कि ओपीवी की कितनी डोज लगती है, किसको लगती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो ओपीवी की जो डोज है वो किस किस को लगती है। तो वो लगती है दोस्तों अपनी 0 से 5 साल के
जो चिल्ड्रन है 0 से 5 साल के जो चिल्ड्रन है दोस्तों उनको लगती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका। टोटल कितनी डोज होती है ओपीवी की, अगर कोई पूछ ले दोस्तों तो ओपीवी की 5 डोज होती है, टोटल जो होती है वो 5 होती है, इम्पोर्टेंट है। कब कब लगती है, एट बर्थ पे लगती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सबसे ज़्यादा कि ओपीवी एट बर्थ दिया जाता है कि नहीं, तो दिया जाता है दोस्तों 6 वीक 10 वीक और 14 वीक पे। इसके अलावा दोस्तों इसकी बूस्टर डोज है दोस्तों वो लगती है, बूस्टर डोज लगती है 16 से 24 मंथ पे दोस्तों। तो ये था दोस्तों पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन अपन ने देख लिया है दोस्तों, तो अब जो देखेंगे अपन वो देखेंगे आईपीवी इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है दोस्तों उसके बारे में। अब देखेंगे दोस्तों अपन इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है, आईपीवी के बारे में, इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे दोस्तों, जो आईपीवी है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है उसकी एक तो सिंगल डोज लगती है दोस्तों, सिंगल डोज, और दूसरी क्या है दोस्तों इसकी मल्टी डोज भी लगती है, मल्टी डोज भी लगती है। तो दोस्तों सिंगल डोज जो होता है, सिंगल डोज होता है दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं कि जो सिंगल डोज है वो कितनी लगती है दोस्तों। सिंगल डोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो लगती है 0.5 ml, ठीक है दोस्तों 0.5 ml। और कैसे, कौन से रूट से दोस्तों, तो वो लगती है इंट्रा मस्कुलर IM रूट से लगती है दोस्तों। और ये 14 वीक पर लगाते हैं दोस्तों, कब लगाते हैं 14 वीक पे, ये लगाते हैं दोस्तों 14 वीक पे। इसके अलावा दोस्तों जो मल्टी डोज है, मल्टी डोज में इसे क्या कहते हैं, ये फ्रैक्शनल डोज भी कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल डोज क्या कहते हैं इसे, फ्रैक्शनल डोज। अब ये दोस्तों जो फ्रैक्शनल डोज है, ये जो फ्रैक्शनल डोज है दोस्तों ये भी कैसे लगाते हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों कि 0.1 ml, कितना 0.1 ml दोस्तों कैसे, कब लगाएंगे, इंट्रा डर्मल लगाएंगे, पहली बात तो इंट्रा डर्मल लगेगा, और दूसरा 6 वीक पे लगेगा दोस्तों। ये जो फर्स्ट डोज होती है इंट्रा डर्मल और 6 वीक पे लगती है दोस्तों, ये इसकी फर्स्ट डोज होती है। और दोस्तों 0.1 ml ही इंट्रा डर्मल ID लगेगा दोस्तों, इंट्रा डर्मल सेकेंड डोज लगेगी 14 वीक पे दोस्तों, इसकी 14 वीक पे इसकी सेकेंड डोज लगती है दोस्तों, मल्टी डोज में सेकेंड डोज इसकी 14 वीक पे लगती है। तो दोस्तों ये है अपना आईपीवी के बारे में। और एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि आईपीवी की हमेशा मल्टी डोज लगाते हैं, ये याद रखना आप कि नोट लिख लो दोस्तों कि आईपीवी की हमेशा कौन सी डोज, मल्टी डोज, आईपीवी की हमेशा कौन सी डोज दोस्तों, मल्टी डोज लगाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों अगर पूछ ले जाए आप कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछें दोस्तों, MPCHO में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आपसे मैं पूछता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं जैसे अच्छे से दिखे। MPCHO ने क्या पूछा था दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, MPCHO का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मैनी डोज एडमिनिस्टर ओ पोलियो वैक्सीन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मैनी डोज एडमिनिस्टर पोलियो वैक्सीन। इसने ना तो OPV दिया है ना ही इसने IPV दिया है, पोलियो वैक्सीन। तो मुझे राइट आंसर बताएं दोस्तों इसका कि हाउ मैनी डोज एडमिनिस्टर पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों मैं आपको, पहला ऑप्शन है दोस्तों अपना 5 डोज, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 7 डोज, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपनी 3 डोज। तो जल्दी से मुझे बताएं दोस्तों कि इसकी कितनी डोज लगती है,
जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप दे दें दोस्तों कि पोलियो वैक्सीन के लिए कितनी डोज लगती है। जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टोटल कितनी डोज लगती है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा कि 7 डोज लगती है दोस्तों टोटल पोलियो वैक्सीन की। 7 डोज कैसे लगेगी दोस्तों, 5 तो ओपीवी की होगी दोस्तों, 5 किसकी होगी, 5 होगी दोस्तों ओपीवी की और प्लस में 2 होगी दोस्तों आईपीवी की। आईपीवी की 2 डोज लगती है, 2 डोज लगती है दोस्तों। कौन कौन सी 2 लगती है दोस्तों, एक तो ये लगती है 0.5 ml और एक लगती है दोस्तों 0.1 ml, तो ये 2 डोज ये होगी दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप दोस्तों साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है, स्मार्ट स्टडी आपको करवाई जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि आज अपना टारगेट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अपना टारगेट क्या है, कल दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने टारगेट पूरा कर दिया था, 40 प्लस का टारगेट दिया था दोस्तों। तो आज भी अपना 40 प्लस का टारगेट है दोस्तों। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी जब अगर आप ये टारगेट मेरा पूरा करोगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता हूँ दोस्तों। तो मेरे हार्ड वर्क को दोस्तों एक लाइक ज़रूर करो। आप जो भी वीडियो देख रहा है वो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, आपकी एक लाइक से मैं आपको और बेहतरीन कंटेंट ला के दूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं मेहनत करता हूँ और उस मेहनत का मुझे फल मिलता है। तो मेरी जो हार्डवर्क है दोस्तों उसका जो फल है दोस्तों, हार्डवर्क का जो फल है वो यही है कि लाइक। आप बस लाइक कर दो दोस्तों। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दो दोस्तों कि शानदार क्लास हो रही है। दोस्तों को शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों को बुला लो यहाँ पे और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करोगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट रहोगे और अपन और अच्छे से अपन कर पाएंगे दोस्तों। तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो आपको पूरा करना है दोस्तों, 40 प्लस लाइक का। अब आपके ऊपर है दोस्तों ये आप कैसे पूरा करते हो, 40 प्लस लाइक आप पूरा कर दो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना वापस आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा। अब अपन पढ़ेंगे कि पोलियो में दोस्तों कौन सा पैरालिसिस पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, फ्लैसिड पैरालिसिस प्रेजेंट होता है। कौन सा पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस प्रेजेंट होता है किसमें, पोलियो के अंदर। और क्या बताऊं दोस्तों, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, इसकी डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों इसकी डिजीज़ के बारे में अपन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो इसकी डिजीज़ होती है इसको पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं इसकी डिजीज़ को दोस्तों। तो इसका ये कैसे होती है दोस्तों, तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ माइलिन शीथ, इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों ये किसका, इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों किसका, ऑफ जो माइलिन शीथ है दोस्तों उसका, जो माइलिन शीथ है दोस्तों उसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा का जो एंटीरियर हॉर्न होता है को ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है दोस्तों। ये क्या करता है, वर्टिब्रा के एंटीरियर हॉर्न को, इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो एंटीरियर हॉर्न होता है दोस्तों वर्टिब्रा का, एंटीरियर जो हॉर्न होता है उसको क्या करेगा दोस्तों, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों एंटीरियर हॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देगा दोस्तों ये। तो दोस्तों ये एंटीरियर हॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या है, जो माइलिन शीथ होती है वहाँ की, वो क्या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों। और इसमें सेंसरी नर्व है वो प्रेजेंट होती है दोस्तों,
सेंसरी जो होती है, सेंसरी नरो होती है दोस्तों, सेंसरी नरो तो प्रेजेंट होती है दोस्तों, बट जो मोटर नरो है दोस्तों, लाने ले जाने का काम करती है सेंस को, मोटर नरो जो है दोस्तों वो अब्सेंट होती है इसमें। अब देखते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कोज क्या है इसका, कोज क्या है दोस्तों, पोलियो कैसे होता है, इसका कोज क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहला कोज होता है इसका दोस्तों, पहला कोज ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन सीथ, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन सीथ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलियो का कारण क्या है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन सीथ, माइलिन सीथ का डिस्ट्रक्शन होना पहला कोज हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कोज क्या होगा दोस्तों, इसका दूसरा कोज होगा दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ वर्टिब्रल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ, एंटीरियर हॉर्न ऑफ किसका, वर्टिब्रा का, वर्टिब्रा का जो एंटीरियर हॉर्न है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है दोस्तों। एक कोज और है दोस्तों, तीसरा जो कोज होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों तीसरा जो कोज होगा अपना वो कहलाएगा दोस्तों, तीसरा कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन, डिस्ट्रक्शन ऑफ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों तीनों के तीनों कोज, डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो दोस्तों ये इसका तीसरा है दोस्तों। एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, कि जो है पोलियो इज ए वायरल वाटरबॉर्न न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर PNS। डेफिनेशन से बता देता हूँ दोस्तों पोलियो की, कि पोलियो इज, लिख सकते हो आप साथ साथ में, कि पोलियो इज ए वायरल वाटरबॉर्न, इससे बहुत चीज़ क्लियर होगी दोस्तों, क्योंकि वाटरबॉर्न होता है, वाटरबॉर्न वायरल वाटरबॉर्न न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल क्योंकि माइलिन सीथ डिस्ट्रॉय होगी दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। डिस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन, डिस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन एंड डिक्रीज मसल टोन, एंड डिक्रीज मसल टोन, डिक्रीज मसल टोन एंड डिक्रीज मसल टोन अकर्स पैरालिसिस, मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो दिखा देता हूँ दोस्तों, एक बार मैं आपको रेड से मार्क कर देता हूँ, कि पोलियो जो होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पोलियो कैसी डिजीज़ है दोस्तों, वायरल डिजीज़ है पहला क्वेश्चन। दूसरा है दोस्तों ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है, ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया दोस्तों अपना, पहला क्वेश्चन बन गया ये वायरल डिजीज़ है, दूसरा ये क्वेश्चन बन गया कि ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है, एक ही डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों। तीसरा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है PNS का, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, कि ये कैसा डिसऑर्डर है दोस्तों पोलियो, तो पोलियो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और क्या है दोस्तों इसके अंदर मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाती है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी दोस्तों। और पाँचवा क्वेश्चन है डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन इसमें दोस्तों कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कौन सा पैरालिसिस होगा दोस्तों इसमें, तो इसमें छठा क्वेश्चन बन जाता है फ्लैसिड पैरालिसिस होगा दोस्तों। तो एक ही डेफिनेशन से आपको छह क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ऐसी स्टडी आपको कोई नहीं करवाएगा, आपको ऐसी स्टडी सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग अपडेट बाई CHO यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है दोस्तों, जो स्मार्ट स्टडी है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको मैं आपको लग रहा है कि मैं शानदार पढ़ा रहा हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। और आज का टारगेट अपना दोस्तों 40+ लाइक का है। कल आपने मेरा 40+ लाइक का टारगेट पूरा किया था दोस्तों, शाम की क्लास में मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आज भी आप 40+ लाइक करोगे, क्योंकि आज भी आपको मैं कंटेंट अच्छा लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चालू करते हैं आगे अपना। अब देखते हैं दोस्तों इसके वायरस के बारे में, जो पोलियो का जो वायरस है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पोलियो का जो वायरस होता है दोस्तों, पहले बात तो वायरस कौन सा होता है, पोलियो वायरस होता है, ठीक है दोस्तों। और पोलियो वायरस कैसा होता है दोस्तों, सिंगल स्ट्रैंड। कैसा होता है दोस्तों पोलियो का वायरस, तो पोलियो का वायरस होता है दोस्तों सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है दोस्तों। कैसा, सिंगल स्ट्रैंड RNA देखने को मिलता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल स्ट्रैंड RNA इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों, एक चीज़ और रह गई है दोस्तों इसके वायरस में, एक चीज़ और रह गई है इसके वायरस के अंदर दोस्तों, कि ये जो वायरस होता है ये कैसा होता है दोस्तों, तो ये एंटेरोटॉक्सिन वायरस होता है दोस्तों, एंटेरोटॉक्सिन, जो इंटेस्टाइन के लिए घातक होता है दोस्तों, एंटेरोटॉक्सिन वायरस होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके टाइप अपन, कि इसके टाइप देख लेते हैं दोस्तों। टाइप में देखेंगे दोस्तों ये तीन टाइप का होता है, ये जो वायरस होता है दोस्तों ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कौन कौन सा दोस्तों, पहला देख लेते हैं दोस्तों P1, पोलियो P1 होता है दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन ऑफ एपिडेमिक पोलियो होता है, मोस्ट कॉमन होता है दोस्तों, और इसे एपिडेमिक पोलियो कहते हैं, एपिडेमिक पोलियो भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट अपना दूसरा है P2 जो है टाइप 2 है दोस्तों, तो P2 है वो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इरेडिकेबल है दोस्तों, इसको अपन ने इरेडिकेबल कर लिया है दोस्तों टाइप 2 को, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। मोस्ट एपिडेमिक कौन सा होता है दोस्तों, तो ये P1 होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो P3 होता है अपना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, P3 जो है दोस्तों मोस्ट घातक होता है, पैरालिटिक पोलियो वायरस होता है दोस्तों, पैरालिटिक पोलियो वायरस होता है, सॉरी पोलियो वायरस होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन MOT, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दोस्तों पोलियो का इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वाटर बोर्न होता है दोस्तों, वाटर बोर्न होता है, और क्या होता है दोस्तों, और फिक्को ओरल रूट से फैलता है दोस्तों, ये फिक्को ओरल रूट से ये फैलता है दोस्तों, जो पोलियो वायरस होता है वो फिक्को ओरल रूट से फैलता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, वाटर बोर्न डिजीज है दोस्तों ये, और फिक्को ओरल रूट से ये फैलता है दोस्तों, तो तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप मेरी मेहनत का फल मुझे दें, आपको बस लाइक करना है दोस्तों, लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लग रहे दोस्तों, बस ये मेरी मेहनत का एक लाइक है दोस्तों, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सबको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दे रहा हूँ दोस्तों। दिन में 3-3 क्लासे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों, वीक में 2 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों, बस उसके बदले मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए लाइक वीडियो पर।
तो दोस्तों आप प्रत्येक वीडियो पे मुझे लाइक ज़रूर करें। जितने लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों मेरी 300 प्लस लोग वीडियो देखते हैं, 250 से 300, तो लाइक क्यों नहीं करते दोस्तों मुझे नहीं पता। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो एक बार लाइक वाले बटन को ज़रूर दबा दे दोस्तों, उसके बाद ही वीडियो चालू करा करो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो आपकी प्रेजेंट लग जाती है, वो मेरी मेहनत होती है दोस्तों, मेरी मेहनत को आप लाइक कर दो दोस्तों, बस आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है दोस्तों, आगे भी आपको सब कुछ फ्री मिलेगा दोस्तों। इस चैनल पर बिल्कुल फ्री चलेगा दोस्तों, ये चैनल आप सबके लिए बनाया गया है दोस्तों, आप सबका सिलेक्शन हो जाए इसी के लिए इस चैनल को बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बस आपको लाइक करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों, एक लाइक दे देना मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, एक भी पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे कोई पैसे की डिमांड नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है दोस्तों, मुझे बस आप लोगों को पढ़ाकर मैं चाहता हूँ दोस्तों कि फ्री में मैं आपको अच्छा कंटेंट दे के आपका सिलेक्शन करवा दूँ दोस्तों। आप ऐसा मत सोचना दोस्तों कि फ्री की चीज़ का कोई मोल नहीं होता दोस्तों, इस चैनल के ऊपर फ्री की चीज़ का बहुत बड़ा मोल है दोस्तों, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। अगर दोस्तों आप टाइम पास करने आए हो YouTube पर, तो यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों। अगर आप रियल में स्टडी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत सही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आप बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर ले। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो रिस्क फैक्टर एक तो ओपन डेफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, ओपन डेफिकेशन रिस्क फैक्टर में आता है। पुअर सैनिटेशन, गंदगी होगी दोस्तों जहां पर वहां पे जल्दी फैलेगा, कंटामिनेटेड वाटर होगा तो जल्दी फैलेगा दोस्तों ये कंटामिनेटेड वाटर से। और क्या हो दोस्तों, स्लम्स एरिया है, गंदगी वाले एरिया है दोस्तों, वहाँ पर ये जल्दी फैलता है स्लम्स एरिया में। और ओवर क्राउडेड, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी दोस्तों, तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया दोस्तों रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं दोस्तों इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है पोलियो का, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो, तो पोलियो का इनक्यूबेशन पीरियड दोस्तों 10 से 14 दिन का होता है, 10 to 14 days। ओके दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के लिए दोस्तों मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं दोस्तों इसकी। अब सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा जो पोलियो वायरस है। क्या आएगा दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है दोस्तों, पोलियो वायरस। ये कहाँ है, वाटर में है दोस्तों, इन वाटर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी, वाटर में। और ये वाटर से दोस्तों कहाँ इंटर करेगा, ओरल रूट से, ओरल रूट से ही एंटर करेगा दोस्तों, ओरल रूट से एंटर करेगा दोस्तों। एंटर करके कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुंच जाएगा दोस्तों इंटेस्टाइन में, सॉरी इंटेस्टाइन में दोस्तों। कहाँ पहुंच गया दोस्तों, ये पहुंच गया इंटेस्टाइन में दोस्तों। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद दोस्तों ये क्या करेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों। क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ा लेगा दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या कोज कर देगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि पोलियो के अंदर पेयर पैचेस बना देगा दोस्तों, फॉर्म पेयर पैचेस, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेयर पैचेस बना देगा दोस्तों ये। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों फिर क्या करेगा, ये एंटर होएगा किस में दोस्तों, ब्लड्स में और लिम्फेटिक नोड्स में। किस में एंटर होएगा दोस्तों, ये एंटर इंटू ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड में। ठीक है दोस्तों, लिम्फ नोड में एंटर होएगा। लिम्फ नोड में एंटर होने के बाद दोस्तों ये क्या करेगा, लिम्फ नोड में एंटर होने के बाद माइग्रेट टुवार्ड पीएनएस,
पेरिफेरल नर्व सिस्टम की ओर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, माइग्रेट टू टुवार्ड पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की ओर ये माइग्रेट करेगा दोस्तों। ये माइग्रेट कर सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों, किसमें, पीएनएस में, क्या करेगा दोस्तों वहाँ पर प्राइमरी, ये तो दोस्तों इसने क्या किया था, प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन किया था। अब ये यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन, सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों। अब सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या होगा दोस्तों कि ये डेस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन, किसको डेस्ट्रॉय करेगा, डेस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन दोस्तों, मोटर न्यूरॉन को, एमएन का मतलब मोटर न्यूरॉन से है दोस्तों, तो मोटर न्यूरॉन को ये डेस्ट्रॉय कर देगा दोस्तों। फिर क्या करेगा दोस्तों, ये डिक्रीज मसल टोन, जो मसल टोन है दोस्तों, मसल टोन है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कैसा, फ्लैसिड हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज होकर कैसी हो जाएगी दोस्तों, तो डिक्रीज होकर दोस्तों ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाएगी, और इसे को क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, मसल्स में पैरालिसिस होगा, कैसा पैरालिसिस होगा दोस्तों, तो ये होगा फ्लैसिड पैरालिसिस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत, बिल्कुल इसको मिस मत करना दोस्तों आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये देखते हैं अपन अब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया वाटर में, वाटर से ये ओरल रूट में आता है दोस्तों, ओरल रूट इंटेस्टाइन के अंदर आता है, इंटेस्टाइन के अंदर आकर दोस्तों ये प्राइमरी मल्टीप्लीकेशन करेगा, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करके बढ़ा देगा दोस्तों। वहाँ पर ये पेयर पैचेस है दोस्तों, फॉर्म करता है, बनाता है, पेयर पैचेस बना देगा दोस्तों। और पेयर पेचेस क्या होता है, पेयर पेचेस क्या होता है दोस्तों, ये कि जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो लेयर है दोस्तों, उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे ये फिर एंटर हो जाएगा किसमें, ब्लड में और लिम्फ नोड में। अब ये ब्लड में एंटर होने के बाद दोस्तों ये माइग्रेट करेगा किसकी तरफ दोस्तों, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरफ माइग्रेट करेगा। वहाँ पर जाकर क्या करेगा, ये सेकेंडरी मल्टीप्लीकेशन कर लेगा दोस्तों। सेकेंडरी मल्टीप्लीकेशन करते ही ये मोटर न्यूरॉन है दोस्तों, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और मोटर न्यूरॉन जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी दोस्तों, तो उसकी जो मसल टोन है दोस्तों वो कम हो जाएगी, मसल टोन कम हो जाएगी तो फ्लैसिड हो जाएगी, इसमें पैरालिसिस हो जाता है, जिसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और मुझे पढ़ाने में और अच्छा महसूस होगा और अच्छा लगेगा दोस्तों। और बता दूँ दोस्तों आपको कि यहाँ पर टॉप पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा, तो इस आइकन को आप प्रेस करके दोस्तों अपनी और मोर वीडियो है वो देख सकते हो दोस्तों। ये आइकन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेस करके मोर वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कि साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो साइन सिम्टम देख लेते हैं दोस्तों, पोलियो के क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम पोलियो के, तो पोलियो के साइन सिम्टम देखते हैं दोस्तों अपन कि नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा दोस्तों, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा दोस्तों, और क्या मिलेगा दोस्तों, शोर थ्रोट देखने को मिलेगा दोस्तों, शोर थ्रोट गले में वो हो जाएगा दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाएगा, शोर थ्रोट हो जाएंगे दोस्तों, मसल टोन कम हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज मसल टोन, अभी पढ़ा है दोस्तों पूरा पैथोफिजियोलॉजी से सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों, मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, कौन सा पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस पाया जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैसिड पैरालिसिस दोस्तों, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे दोस्तों,
और क्या चीज़ देखने को मिली थी इसमें, क्या होता है स्पाइनल पोलियो, क्या होता है दोस्तों स्पाइनल पोलियो, स्पाइनल पोलियो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है स्पाइनल नर्व जो होती है दोस्तों मोस्ट कॉमन स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाती है दोस्तों, स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बल्ब्यूलर पोलियो होता है दोस्तों, बल्ब्यूलर जो पोलियो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कौन सी नर्व दोस्तों, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है दोस्तों। और बल्बो स्पाइनल पोलियो दोनों अगर साथ में लेंगे दोस्तों तो स्पाइनल और क्रेनियल दोनों लॉस हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अपन कि पोलियो का वायरस ग्रो कहाँ करता है, पोलियो का जो वायरस है वो कहाँ ग्रो करता है दोस्तों, तो वो ग्रो करता है दोस्तों इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, इसलिए ये क्या कर देगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस कहते हैं दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, तो अब इंटेस्टाइन में दोस्तों ये कहाँ पर ग्रो करता है, तो ये करता है दोस्तों ड्यूडेनम जो होता है दोस्तों इसमें ये क्या करेगा प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन करता है दोस्तों, और इसी में पेयर पैचेस पाए जाते हैं दोस्तों ड्यूडेनम में, ये क्या बनाता है पेयर पैचेस बनाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पेयर पैचेस कहाँ बनाता है तो ड्यूडेनम में बनाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब साइन सिम्टम अपने हो गया है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपन, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अपन इसका डायग्नोसिस, पोलियो का डायग्नोसिस कैसे करेंगे दोस्तों, डायग्नोसिस में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, डायग्नोसिस के अंदर कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों, और साथ में इसके साइन सिम्टम देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे साइन सिम्टम। तो आप देखते हैं दोस्तों पहला कन्फर्मेटिव जो इसका होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है कि स्टूल एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये स्टूल एग्जामिनेशन, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है दोस्तों, इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है दोस्तों, स्टूल का एग्जामिनेशन करना कन्फर्मेटिव टेस्ट है जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देता है इसको, क्वेश्चन आता है ऐसे, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पोलियो का जो मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है स्टूल एग्जामिनेशन। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों देख लेते हैं कि इसके अलावा जो हो सकते हैं वो है CSF एग्जामिनेशन दोस्तों, CSF का एग्जामिनेशन, और दोस्तों मसल्स की बायोप्सी करवा सकते हैं दोस्तों, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और नरों की बायोप्सी करवा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों कि कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होता है वो स्टूल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि स्टूल के अंदर जो पोलियो का वायरस है दोस्तों वो कितने दिन तक रह सकता है, कितने दिन तक रह सकता है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ये मैक्सिमम दोस्तों थ्री मंथ बोल सकते हो,
19 डेज बोल सकते हो दोस्तों, 90 डेज, या दोस्तों 12 वीक, 12 वीक, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा। तो इतने दिनों तक ये दोस्तों इसमें रह सकता है पोलियो वायरस, किसमें दोस्तों, स्टूल के अंदर। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है दोस्तों, क्या काम आती है रिवर्स कोल्ड चेन, क्या काम आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रिवर्स चेन है वो क्या काम आती है, रिवर्स कोल्ड चेन क्या काम आती है दोस्तों। तो ये काम आती है दोस्तों फोर स्टूल सैंपल इन पोलियो ट्रांसफर करने के लिए, ये होती है दोस्तों फोर स्टूल सैंपल। कोल्ड आ गया तो इसमें वैक्सीन नहीं आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड चेन आ जाए तो वैक्सीन धरी जाएगी उसमें, नहीं दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्टूल के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है दोस्तों, इसमें फोर स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल इन पोलियो, पोलियो में जो स्टूल सैंपल होता है दोस्तों, तो रिवर्स कोल्ड चेन से कलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जो पोलियो होता है, पोलियो वैक्सीन होती है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि इसको कितने डिग्री पर दोस्तों, -20 पे करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हीट सेंसिटिव होती है दोस्तों, सेंसिटिव हीट सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन होती है दोस्तों, वो होती है अपनी पोलियो वैक्सीन दोस्तों, कौन सी वैक्सीन दोस्तों, पोलियो वैक्सीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखेंगे दोस्तों इसका प्रिवेंशन, पोलियो का प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे दोस्तों, तो प्रिवेंशन एजुकेट करेंगे दोस्तों पीपल्स को, एजुकेट अबाउट किसके बारे में दोस्तों, एजुकेट अबाउट क्लोज डिफिकेशन, कि जो मल त्याग है दोस्तों वो क्लोज में, खुले में ना करें, क्लोज डेफिकेशन करें दोस्तों, जिससे क्या है पोलियो से बचा जा सकता है दोस्तों, पोलियो फैलने से बचा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या दोस्तों, वैक्सीन देंगे दोस्तों, कौन सी वैक्सीन के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, दो प्रकार की होती है, एक ओपीवी होती है जो ओरल होती है दोस्तों, जिसकी 5 डोज दी जाती है दोस्तों ओरल की, और ये अप टू 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है दोस्तों, और ये आता है अपना जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है दोस्तों, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में आता है दोस्तों, और ये कब स्टार्ट किया दोस्तों, 1995 में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है दोस्तों ओपीवी। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है या कैंपेन है दोस्तों, तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, प्रोग्राम नहीं होता, कैंपेन होता है दोस्तों, कैंपेन होता है दोस्तों, ये कैंपेन होता है, ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम नहीं होता दोस्तों। अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, ट्रिक ही मान लो उसको आप, ट्रिक ही है, एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों जिससे आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएगी। तो दोस्तों पी से क्या होता है, पी से होता है पोलियो, ठीक है दोस्तों, पी से पोलियो, पी से पानी से फैलता है, पानी से, पी से पोटी, पोटी में फैलता है, तो पोटी किसको कहते हैं दोस्तों, मल को, और पी से ही पीएनएस को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और पी से ही पैरों पर मतलब जो अपने पाँव होते हैं उन पर पैरालिसिस करता है दोस्तों, पी से क्या करता है, पैरों पर पैरालिसिस करता है दोस्तों, पैरालिसिस करता है, पी से पैरों पर पैरालिसिस करता है दोस्तों, और पैरालिसिस कौन करता है दोस्तों, पी से पोलियो वायरस करता है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग, आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों ये। और पी से 5 डोज होती है दोस्तों इसकी पोलियो की, 5 डोज होती है पोलियो वैक्सीन की, पी से 5 साल तक के बच्चों को,
पी से पाँच, 5 साल तक के बच्चों को पिलानी होती है। और दोस्तों पी से ये पीपीआई प्रोग्राम है दोस्तों। कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? ये पोलियो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन दोस्तों। पीपीआई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अभी पढ़ा है दोस्तों 1900, और कब आया? पी से 95 में आया दोस्तों। तो ये पीपीपी, इतने सारे पी मिलकर दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर करवा देंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, कि पी से होता है दोस्तों 5, पी से पोलियो, पी से पानी से फैलता है, वाटरबोर्न है दोस्तों। पी से 40 में होता है दोस्तों, पी से पीएनएस को डिस्ट्रॉय करता है दोस्तों, पी से पैरों पर होता है दोस्तों, पी से पैरालिसिस होता है दोस्तों, पी से पोलियो वायरस की वजह से होता है दोस्तों, पी से 5 डोज देते हैं दोस्तों, पी से 5 साल तक के बच्चे को देते हैं दोस्तों, 5 साल के बच्चे को देते हैं दोस्तों, पी से पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है दोस्तों। और पी से कब आया है प्रोग्राम? कब आया? 1995 में आया दोस्तों। पी से पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया दोस्तों? 95 में। तो ये था दोस्तों पोलियो। कैसा लगा दोस्तों आपको पढ़ के? मज़ा आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको पढ़ाई करके मज़ा आया कि नहीं आया दोस्तों। मज़ा आया ना दोस्तों? तो ये था दोस्तों पोलियो के बारे में। और ऐसे अपन दोस्तों पोलियो की, ऐसे अपन दोस्तों पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। पोलियो की ड्रॉप ऐसे पिलाते हैं दोस्तों, बच्चे का मुंह पकड़ के, 2 ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, आपने देखा होगा दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों अपना क्या, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो दोस्तों आई होप आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा हो। वैक्सीन के बारे में भी पढ़ लिया दोस्तों अपन ने। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो पोलियो का जो लेक्चर है दोस्तों बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, और इसकी ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक धमाकेदार सेशन। अगर आपको राजस्थान CHO की फ्री मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है दोस्तों, तो यहाँ पर आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। लाइक करना है दोस्तों, चैनल को शेयर करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी जरूर करना है दोस्तों। और दोस्तों और आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि जो अपना अगला पेपर है वो कब होने वाला है। तो दोस्तों अपना अगला पेपर बुधवार को होने वाला है, और उस पेपर के अंदर दोस्तों 40 क्वेश्चन अपने इसके आएंगे नर्सिंग के, और 5 क्वेश्चन GK के होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों नर्सिंग से रिलेटेड ही, साइंस जो पूछी जाती है जनरल साइंस उसके क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो दोस्तों नर्सिंग अपडेट बाय CHO को आप यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों। और पास में आ रही ये वीडियोज है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों।